अंकल ये फोटो आप लोगों ने अंदर रखी थी, प्लीज इसे देख। यहाँ कोई पारुल मासी को जानता है, हो सकता है वो मीनाक्षी आंटी को भी जानते हो। इसे ढूंढ रही है बेटा? नहीं, मैं तो ये जब मां बनने वाली थी तो इसने इतनी खीर खाई कि हम सब इसे कहते थे कि तेरा बेटा बिल्कुल दूध मलाई जैसा होगा। पंडित जी आप इन्हें जानते तो आपको पता होगा ना कि तस्वीर वहां पे किसने रखी, आपको याद तो होगा ना। पंडित जी अंकल की फैमिली में और कोई भी तो होगा ना? हाँ बेटी, उसकी पत्नी थी, वो उस वक्त गर्भवती भी थी। उस दिन यहाँ खीर प्रसाद बनता था ना, वो उसे बहुत पसंद था। Oh God, no no no, how is it possible? लेकिन अगर पारुल मासी प्रेग्नेंट थी तो उनका बच्चा कौन है? पर पंडित जी उन्हें मेहुल अंकल की वाइफ क्यों कह रहे थे? मिष्टी का लहंगा रेडी। ओके, सो लहंगा चेक, बैंगल्स चेक, इयररिंग्स भी चेक। अब थोड़ा मेन गर्ल पे ध्यान देते हैं। मेन गर्ल पे? गोरधाना मिष्टी का है, मेन गर्ल तू कैसे हो गई? ओफो दादी, स्वैग है अपना अपना, आप तो जानते हो। हाँ मैं जानती हूँ तेरा अपना स्वैग है, लेकिन मिष्टी कहाँ है ये नहीं जानती हूँ। कहाँ है वो? अब मुझे नहीं पता मिष्टी कहाँ है, और फ्रैंकली स्पीकिंग दादी मेरे पास टाइम भी नहीं है जानने का। यू नो व्हाट, गर्ली है वाली गर्ल्स ना, उनको ना दिन भर में 2 घंटे एक्स्ट्रा चाहिए। मेरे बाल खराब हो गए, मैं जाके ठीक करके आती हूँ। ओके बाय। मिष्टी की बच्ची कहाँ रह गई तू? नेटवर्क कवरेज के बाहर है। राजकोट में तो कभी भी मिष्टी का फोन नेटवर्क कवरेज के बाहर नहीं होता। नहीं मिष्टी राजकोट के बाहर, राजगढ़। गुड मॉर्निंग बड़ी माँ। गुड मॉर्निंग बेटा, तैयार हो गए? जी बड़ी माँ, मैं तो कब से तैयार हूँ, ये आपकी मिष्टी ही नखरे करती रहती है। बाय। ओके बेटा बाय। हे भगवान, इसका मतलब अबीर को भी नहीं मालूम कि मिष्टी कहाँ है। बड़ी माँ, सवाल एग्जाम में, क्विज में, 20 questions की गेम में हूँ तो ठीक ही लगते हैं, लेकिन जब वो सवाल अपनी फैमिली पर लगने लगे तो समझ नहीं आता कि क्या बिलीव करें और क्या नहीं। मेरे मन में अपने मम्मी पापा को लेके बहुत सारे सवाल थे, इतने कि मेरे माथे पे एक परमानेंट लाइन बन गई थी, और आज वही सवाल मुझे अबीर के चेहरे पर नजर आ रहे हैं। वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करता है बड़ी माँ, लेकिन उसे लगता है कि वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकता अपने बाबा की वजह से। उसे लगता है कि उसके बाबा सही हैं और उसकी फैमिली गलत, लेकिन उसके बाबा सही इंसान नहीं है बड़ी माँ। आप और मैं हम दोनों जानते हैं कि अबीर हमेशा सच का साथ देता है, लेकिन जब उसे खुद सच नहीं पता तो वो क्या करेगा? वो तो अपने बाबा के दिखाए हुए गलत रास्ते पे चल पड़ेगा, उनके झूठ पे भरोसा करेगा। I'm sorry बड़ी माँ, मुझे आपको बिना बताए यहाँ आना पड़ा, लेकिन मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी था। अबीर को सच बताने के लिए मेरा खुद सच से सामना करना जरूरी है। अबीर अपना नाम
अपने बाबा के नाम से जोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ये पता लगाना बहुत जरूरी है, क्या उसके बाबा का नाम उसके नाम से जुड़ने लायक है भी या नहीं। प्लीज बड़ी माँ, मुझसे गुस्सा मत होना। I'm sorry. मुझे नहीं पता कि मैं सच तक कैसे पहुंचूंगी, लेकिन इतना पता है कि मुझे घर बैठे बैठे कुछ भी पता नहीं चलता। मेरे लिए प्रे करना बड़ी माँ कि मैं सच तक पहुंच सकूं। आपकी बेटी सही काम कर रही है। होपफुली जब मैं आपके सामने होंगी तब आपको मुझ पे गर्व होगा। चोर, चोर! बेटा, वो चोर मेरा फोन लेके चला गया, देखो ना। मेरा फोन जीव तो रहे। एक मिनट आंटी, ये शायद ये मेरा फोन है। अरे नहीं बेटा, ये तो मेरा फोन है। अब मंदिर में फोटो रखते समय छूट गया था, पंडित जी ने दिया मुझे मेरा। एक मिनट आंटी, ये मेरा ही फोन है, आप इसे ऑन करके देखिए ना। जानती हो कि नहीं? ये तो मेरी बहन पारो, अभी तो मेरी बहन पारो के पति है। जब माँ बनने वाली थी ना, तब इन्हें ढूंढने के लिए यहाँ से गई थी, इस गांव से, फिर वो कभी वापस नहीं लौटी। तुम जानती हो इन्हें? आंटी एक मिनट, ये आपकी बहन है? यही तो है मेरी बहन पारो। तुम जानती हो इसे? बताओ ना बेटा, कैसी है, कहाँ है? ये तो परेशान। पारो। बिटिया, अब तो तुम्हें वो मिल गया ना, जिसे तुम ढूंढ रही थी। जी पंडित जी। ये ठीक है ना? तुम मुझे ले चलोगी ना इनके पास? बताओ ना। पारो मासी, मेहुल अंकल की वाइफ है। जो मेले में बिछड़ गया दिल वो बच्चा लगता है, यार अकेले खुश रहना किसको अच्छा लगता है। दिल के सब अरमान सजे जैसे बारात में आए हों, अब जाके खुशी हुई है पूरी जब अपने साथ में आए। अब अपने प्यार के चांद पे साथी, ना बादल है ना साया है, बड़ी कोशिशें करके ये लम्हा हमने पाया है। बस मैं और तुम होते तो शायद थक भी सकते थे, लेकिन प्यार साथ था, उंगली थामे वो इस मंजिल तक लाया है। बहुत खूब अप्रतिम, वाह 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 वाह। थैंक यू बाबा। अरे मैं थैंक यू सुनने नहीं आया हूँ, मैं तो दूल्हे को तैयार करने के लिए आया। लेकिन बाबा, आज मैं दूल्हा नहीं बनने वाला। अरे कल किसने देखा है बेटा, मैं तो मेरे सारे अरमान आज ही पूरे करना चाहता हूँ। कल जो मिलेगा बोनस। चतुर्शीर, ये रही तुम्हारी शेरवानी। वाह वाह। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ आएंगी। वर्ल्ड अल्टीमेट ब्रो। ये केतकी और अतुल ने किया है, और कुणाल ने आज सुबह मेरे लिए नूडल्स भी बनाए। कुणाल के लिए आज के दिन बहुत मुश्किल होगा, वो मिश्ती को अपनी भाभी मान पाएगा? मैं तो बापा से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि आज के दिन कुछ ऊपर नीचे ना हो। डोंट वरी,
ऐसा कुछ नहीं होगा। कहते हैं कि लाइफ में किसी चीज की गारंटी नहीं होती, बट हमारे भाई के स्पेशल डे के लिए हमने लिया। देखा आबिर, पापा ने मेरी बात मान ली। मुझे तो लगा था कि आज की तुम्हारी खुशी में सब शामिल होंगे भी या नहीं, लेकिन आज सब तेरे साथ है बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। तो आपकी बहन की शादी मेहुल अंकल से हुई थी? हाँ, दोनों की शादी हुई थी। मेरा नाम ललिता है, मेरी बहन पारुल। मैं दोनों बहुत ही गरीब घर से हैं। मैं पारुल को प्यार से पारो बुलाती हूँ। हमारे बापू के पास हम दो लड़कियों के अलावा और कुछ भी नहीं था। मेहुल भाई वो राजगढ़ से थे, पढ़े लिखे, उन्हें इंग्लिश बोलना भी आता था। जब मेहुल भाई और पारो की शादी तय हुई, हम सब बहुत खुश हो गए। कुछ समय बाद मेहुल भाई की नौकरी राजकोट में लग गई और वो वहां चले गए, लेकिन पारो को वादा करके गए कि वो उससे मिलने आते रहेंगे। फिर खबर आई कि मेहुल भाई पर गबन का मुकदमा चल रहा है। तब तक मेरा भी लगन हो गया था, पर पारो वो मां बनने वाली थी, उसे बहुत चिंता होने लगी और उसने मुझे कहा कि वो मेहुल भाई को ढूंढने के लिए राजकोट जाएगी। मेरी बहन 7 महीने का पेट लेकर मेहुल भाई को ढूंढने के लिए राजकोट चली गई। तब से लेके आज तक ना उसकी कोई खबर और ना वो लौटी। आज तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि मेरी बहन ठीक है। क्या तुम उसके बच्चे को भी जानती हो? नहीं, पारुल मौसी का तो कोई बच्चा नहीं है, लेकिन अबीर को ये बात पता होनी चाहिए कि मेहुल अंकल की शादी पारुल मौसी से हुई थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेहुल अंकल की वाइफ तो मीनाक्षी आंटी है। जब मैं मेहुल अंकल को उनके घर लेकर गई थी, तब पारुल मौसी ने कुछ कहा तक नहीं था। आंटी, क्या आप श्योर हैं कि मेहुल अंकल की शादी पारुल मौसी के साथ हुई थी? हाँ बेटा, तुम यहाँ इस मंदिर में खड़ी हो, इसी मंदिर में उन दोनों ने 7 फेरे लिए थे। तुम्हें पता है, जब पारो माँ बनने वाली थी तो वो हर रोज इसी मंदिर में आती थी। इस मंदिर का प्रसाद उसे बहुत पसंद था। यहाँ प्रसाद में रोज खीर बनती थी और वो रोज बड़े मन से खीर खाती थी। उसे खीर खाता देखकर हम सब उससे कहते थे कि पारो तेरा बेटा वो दूध मलाई जैसा होगा। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें पता, हम दोनों ने तो बच्चे का नाम भी तय कर लिया था। पारो और मैंने सोचा था कि अगर लड़की होगी तो नाम रखेंगे करुणा, और अगर लड़का होगा तो कुनाल। अरे क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो? क्या कहा आपने? कुणाल, आप सही कह रहे हैं। मैंने भी बहुत सोचा कि पिछले 2 बार से मैं अपने भाई की खुशियों में शामिल नहीं हो सका, और फिर मैंने सोचा और मैंने डिसाइड किया कि आज के दिन हम सारी लड़ाई, सारे झगड़े, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग से टाइम आउट कर लेंगे। क्या? हाँ भाई, टाइम आउट।
जैसे बचपन में जब हम छुपन छुपाई खेलते थे और मैं पकड़े जाने के डर से हमेशा टाइम आउट कर लेता था, बस वैसे ही आज हम नहीं हारेंगे और ना आपको हारने देंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सारी स्ट्रेस सारी टेंशन एक तरफ और मेरे भाई का गोरदाना एक तरफ, आज के दिन नो लड़ाई झगड़ा, सिर्फ नाचना गाना और खुशियां मनाना। अनको आज के दिन ना मुझे सच्ची गिफ्ट दे ही नहीं सकता था। तो टाइम आउट पक्का? यस टाइम आउट। सॉरी 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 तो सॉरी, वो पार्लर वाली पैक हटा ही नहीं रही थी इसलिए लेट हो गई। एनीवेज भाई जल्दी से टाइम आउट वाली बात करो। कि तू एक्चुअली बहुत लेट हो गई। वो टाइम आउट वाली बात हमने कर भी ली और टाइम आउट भी कर लिया। व्हाट? ओह नो, आप दोनों थोड़ी देर मेरे लिए रुक नहीं सकते थे? रुक तो सकते थे बट आज मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता था। खैर अब तो तू आ गई है तो ये शेरवानी भाई को तू पहना देना। रियली? हाँ, अब छोटी बहन है, इतना हक तो बनता ही है। चलो भाई। भाई बहन के आते ही बाबा को भूल गए। चलो अच्छा है, मुझे मेरी प्रॉपर्टी मिल जाए तो ये नाटक भी बंद हो जाएगा। अब तो फिलोसफी झाड़ते झाड़ते बोर होने लगा। वाओ, आज कुणाल भाई तो एक के बाद एक औसम आइडियाज दे रहे हैं। पहले नूडल्स, फिर ये डेकोरेशन एंड फिर टाइम आउट। डोंट टेल मी ये आइडिया तूने चोरी किया है। नहीं नहीं नहीं, सच बता सच बता सच बता। नहीं नहीं, मेरा ही मेरा ही। ये आइडिया तूने कुहू से चुराया है ना? ये देखा आंटी, मैं जानती हूँ कि आपकी बहन का है, मैं उसकी बेटी को भी जानती हूँ। मुझे कॉल करना होगा। तुम कुणाल को जानती हो? आंटी आंटी, आपके पास फोन है क्या? मेरा फोन नहीं चल रहा है। लो बेटा, मेरे फोन से करना। थैंक यू पंडित जी। एक मिनट। आप दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा, आपका बयान लेना है। नहीं नहीं साहब, हमें तो फोन मिल गया, हमें कोई शिकायत नहीं करनी है। एक्चुअली सर हम... ऐसा नहीं होता मैडम, पुलिस का काम मजाक नहीं है। आप पहले बयान दीजिए, उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हैं। चलिए। हैशटैग न्यू मिस्ट्री ड्रामा। अगर जाना ही था तो ऐसी जगह जाती जहाँ नेटवर्क तो आता हो, पर नहीं, ये लड़की तो मुझे मरवा के मानेगी। कुहू, तुझे क्या हो गया? अरे वर्षा भाभी, मैंने सुना था कि लड़कियां ना शादी के बाद चेंज हो जाती है, लेकिन हमारी कुहू इतनी ज्यादा चेंज हो जाएगी ये मुझे नहीं पता था। हाँ, एक इंच भी नहीं बढ़ा है, मैं कहाँ चेंज हुई? ओहो, जो लड़की अपने स्कूल जाने से 2 घंटे पहले रेडी हो जाया करती थी, वो लड़की आज अपने घर के प्रोग्राम में अभी तक रेडी ही नहीं हुई। क्यों भाभी, ये चेंज नहीं है तो और क्या है कुहू? मैं तो चेंज करने जा रही थी, मैं जाऊँ? ओहो कुहू, तो यहाँ पे चक्कर क्यों लगा रही थी? कुणाल के साथ झगड़ा हुआ है क्या? प्लीज चाची, हैशटैग वन ट्रैक माइंड, रिलैक्स। वर्षा जी, बेटा सारी तैयारी हो गई? कुहू को छोड़कर सब तैयार है ताची। ये मिष्टी कहाँ है? और शौर्य की माँ? अपने कमरे में होंगे ना दादू। शौर्य की माँ, मिष्टी तैयार हो गई? मिष्टी, ओह गॉड, दादी को पता तो नहीं चल गया? मिष्टी तो पार्लर में ना दादू। लेकिन कुहू, तूने अभी अभी कहा कि वो अपने कमरे में, फिर पार्लर कैसे जा सकती है वो? हाँ फोकस चाची, मैंने कहा था दादी मिष्टी के कमरे में। मिष्टी तो पार्लर में ना, मैंने ही तो उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स की है। अच्छा अच्छा ठीक है। सॉरी माँ, आप ऐसा कीजिए, आप भी पार्लर चले जाइए और मिष्टी को साथ में लेकर आइएगा। उन लोगों के आने में चंद ही घंटे बचे हैं, जल्दी कीजिए। दादी मैं चली जाती हूँ। कुहू, तू मिष्टी को ले आएगी ना? अरे अब मैं कहाँ जाऊँ, मिष्टी को कैसे लाऊं जब उसका फोन तक रीचेबल नहीं है? हैशटैग टाइम पास करूँ तो कहाँ? आपका बयान दर्ज हो गया, अब हम ललिता बहन से बात करेंगे। जी आइए बैठिए। पारुल मासी, मेहुल अंकल की वाइफ कैसे हो सकती है? लेकिन ये मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी? ये तो उन्हें काफी सालों से ढूंढ रही है, तो फिर झूठ कौन बोल रहा है? अबीर से बात करनी होगी।
हॉट। एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे एक कॉल करना है, क्या मैं कॉल कर सकती हूँ? कम ऑन अबीर, कम ऑन, फोन उठाओ। मेहुल कापड़िया की फाइल। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।